बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मुताला पाकिस्तान के अंदर, हम पाक स्टडी में आज यूनिट नंबर 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप कॉपी पेंसिल लेके अपनी बुक में निशान भी लगा सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जब रिव्यू किया था हमने ओल्ड पेपर्स का, उसमें आपने देखा था पास्ट पेपर्स में कि एक क्वेश्चन जो है ना बार बार आ रहा था, वो था 1857 की जो जंग है उसके हवाले से बार बार सवाल पूछा जा रहा था। अब यहाँ पर आपके सामने एक फहरिस्त नज़र आ रही होगी आपको, जिसके अंदर ये लिखा है कि जंगे आज़ादी के असबाब, जंगे आज़ादी की इब्तदा और जंगे आज़ादी के वाक़यात और जंगे आज़ादी क्यों नाकाम हुई और जंगे आज़ादी की नाकामी के नताइज। ये एक मुकम्मल, इस जो मुकम्मल जंग थी 1857 की, उसका मुकम्मल ये रिव्यू है, जिसके अंदर आपको ये कैटेगरीज दी जा रही हैं कि सवाल ये भी हो सकता है, सवाल इस पॉइंट का भी हो सकता है, सवाल वाक़यात के हवाले से हो सकता है, सवाल जो है वो क्यों नाकाम हुई इस हवाले से हो सकता है, और सवाल जो है जंग आज़ादी की नाकामी के नतज के हवाले से हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि इसके ये वाला आपको जो मकासद वाला एक मैं हमेशा पेज दिखाती हूँ, इसमें आपने देखना है कि जंग आज़ादी का पस मंज़र, ठीक है, बयान कर सकें नहीं करें। यानी मिसाल के तौर पे आपको वो क्वेश्चन देता है कि 1857 की जंग आज़ादी का पस मंज़र बयान करें, या इसके अहम वजूहात पर बहस करें, या ये जंग कैसे शुरू हुई, इसके अहम वाक़यात क्या थे और जंग आज़ादी के अहम लीडर कौन थे। लेकिन ये क्वेश्चन आप यहीं से आप लेंगे और इनको आपने यहीं से ही याद करना है। जंग आज़ादी की नाकामी के वजूहात पर तबसरा करें और बरतानिया के रद्दअमल पर रोशनी डालेंगे, या तारीख़ में जदोजहद आज़ादी के वाक़े की अहमियत बयान करें। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि उन्होंने जब भी आपसे सवाल करना है पेपर के अंदर, तो वो आपको 1857 ज़रूर साथ लगाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जदोजहद आज़ादी के असबाब, यहाँ से 1857 की जंग आज़ादी के कई असबाब थे, ये मेन पॉइंट है कि आपने यहाँ पर जंग आज़ादी का असल टाइटल याद रखना है 1857 है। और उसके बाद आ जाते हैं मजहबी असबाब के, यानी मजहबी तौर पर वहाँ उनको कमज़ोर किया गया जंग आज़ादी में जो है, ये आपने सारे जो है यहाँ से इनको याद करना है। माशी बदहाली के मुसलमानों के दौर हुकूमत में जनूबी एशिया अपनी माशी खुशहाली, और यानी जो मुसलमानों का दौर हुकूमत था उसमें जनूबी एशिया ज़्यादातर वो यानी जो था तिजारत में मशहूर था, और बरतानवी जो ताजर थे इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाने लगे। लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये तमाम ये जो टॉपिक्स हैं कि 1857 में ये जो तमाम चीज़ें थी इसको माशी तौर पर कैसे कमज़ोर किया गया, तो ये सारी चीज़ों आपको एक दफ़ा पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, इस चैप्टर के हवाले से मैं एक आपको बहुत अहम बात बता दूँ, वो ये है कि आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से याद करना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है इसमें यानी आप नहीं कह सकते कि कौन सा सवाल आ सकता है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये 1857 वाला जो पूरा टॉपिक है ये बहुत अहम है, आपने इसकी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जंग आज़ादी की इब्तदा, ये वाला पॉइंट बहुत अहम है और इसके नताइज उसके हवाले से आपने बताना है, वो बहुत अहम है, ठीक है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और आज के लिए जो है ना बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें से मैं किसी मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स को नोट नहीं करके आपको दे सकती, क्योंकि ये सारा ही टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा और ये सारा ही अहम है। तो लिहाजा जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था कि मैम यूनिट्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता दें, तो ये सारा ही चैप्टर बहुत अहम है, आपने इस पूरे का मुताला करना है। जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ये गाइड कर दिया कि इसमें जो है आपने ये कि इसमें से पूरा पूरा पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आप मुताला पूरे चैप्टर का करें और उसके बाद जो आपको ज़रूरी चीज़ें नज़र आएँ उसको आप निशानदेही कर लें।